Usually, we always start our unit with keywords or key terms. So today also we will start our new unit with key terms. So the chapter's name is, once again I'm repeating, Use of Internet and Email. Screen visible hai? Yes, ma'am. लेट्स स्टार्ट। इसमें से मेरे हिसाब से जितने भी कीवर्ड्स है ना, आप लोगों को कुछ तो आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा इंटरनेट यूज करते हैं टाइम पे। सो द वेरी फर्स्ट टर्म इज एडॉन्स एंड प्लगइन्स। एडॉन्स एंड प्लगइन्स, सो दीज एडॉन्स एंड प्लगइन्स आर यूज्ड टू इम्प्रूव और एनहांस वेब ब्राउजर और सॉफ्टवेयर ऑफ ऑफिस। तो जो हमारा वेब ब्राउजर होता है या फिर जो सॉफ्टवेयर है उसको एनहेंस करने के लिए, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एडॉन्स एंड प्लगइन्स का यूज होता है। नेक्स्ट इज एप्स एंड एप्लेट्स। एप्स एंड एप्लेट्स, सो Small software application commonly used in cell phones and mobiles. तो जो apps या applets होते हैं वो छोटे छोटे softwares होते हैं जो कि हम mobile phone में use करते हैं, अपने cell phone में use करते हैं, जो हमारी life को थोड़ा more comfortable या convenient बना देते, थोड़ा easy कर देते हैं, ठीक है? तो जितने भी apps हैं which you have downloaded in your mobile phones is this apps and applets. Archives and archiving. Archives can be a compressed form of a number of small data file or it may be a set of long-term storage of files which the user do not use often. So archives kya hota hai? Compressed file hota hai, theek hai, jisme ki एक स्मॉल डेटा प्रेजेंट रहता है, मतलब कंप्रेस्ड फाइल है जिसमें कि नंबर रहता है, या फिर आप बोल सकते हो कि स्मॉल डेटा फाइल है आर्चीव्स, ठीक है? आइदर ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो सकता है, और जो कि मतलब जो डेटा यूजर्स आर यूजिंग, जो कि यूजर्स के लिए इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग टर्म भी यूज हो सकता है, बट क्या है, फाइल छोटी छोटी फाइल्स हैं, ठीक है, बहुत बड़ी फाइल्स नहीं है, दे आर कॉल्ड आर्चीव्स। और आर्चीविंग क्या होती है, इज कंबाइनिंग एंड कंप्रेसिंग मल्टीपल फाइल्स इनटू वन फाइल। आर्चीविंग क्या है, बहुत सारे फाइल को एक साथ में कंप्रेस करके एक फाइल में प्रेजेंट करना, ठीक है, बहुत सारे फाइल को कंप्रेस करके हम जब एक फाइल में प्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्चीविंग। ओके, और आर्चीव्स क्या है, कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ नंबर और स्मॉल डेटा फाइल्स, कोई छोटा डेटा फाइल है या कोई नंबर फाइल है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो सकता है, दैट इज टर्म्ड एज आर्चीव्स। नेक्स्ट कम्स द ब्लॉग एंड ब्लॉगिंग। ब्लॉग एंड ब्लॉगिंग, ब्लॉग इज अ सिंगल यूजर और स्मॉल ग्रुप रनिंग वेब पेज और वेबसाइट व्हिच इज अपडेटेड रेगुलरली एंड यूजुअली रिटर्न इन अ इनफॉर्मल स्टाइल। Blogging is an act of regularly updating the blog by adding material to it. तो ब्लॉग क्या होता है, आइदर जो ब्लॉग है कोई एक सिंगल यूजर हैंडल करता है या फिर हो सकता है कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैंडल करे, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक इनफॉर्मल स्टाइल में कंटेंट प्रेजेंट होता है या फिर लिखा जाता है या फिर प्रेजेंट किया जाता है, फाइन।
मतलब जो जो उसका पैटर्न होगा ना वो फॉर्मल नहीं है, मतलब कोई एक गाइडलाइंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इनफॉर्मल वे में व्लॉगिंग होती है, जो कंटेंट उसमें आप जो कंटेंट लिखोगे या जो आप कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि आजकल देखो आप व्लॉग्स आप हम लिखते भी थे, पहले क्या होता था कि व्लॉग्स लिखे जाते थे, ओके, बट अब क्या हो रहा है कि यूट्यूब में भी व्लॉग्स होती है, आप लोगों ने देखे होंगे कभी ना कभी, किसी का व्लॉग्स जरूर देखा होगा, और उसमें जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो डेली लाइफ को अपने व्लॉग करते हैं, तो आइदर राइटिंग, बट स्टार्ट जो हुआ था ये राइटिंग फॉर्म से स्टार्ट, जो राइटिंग वाला व्लॉगिंग है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है, यूट्यूब में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है व्लॉगिंग। तो व्लॉग में बेसिकली क्या होता है, कोई फॉर्मल स्टाइल नहीं होता है, इनफॉर्मल वे में जैसा द फॉर्म द स्टाइल विच इज कंफर्टेबल फॉर द क्रिएटर, जो क्रिएट कर रहा है व्लॉग को, उसके लिए जो कंफर्टेबल स्टाइल है उस स्टाइल में वो व्लॉग लिख सकता है, और वो क्या कहते हैं अगर प्रेजेंट कर रहा है तो वो प्रेजेंट कर सकता है। व्लॉगिंग मोस्टली एक इंसान करता है या एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं, जिसमें 5 6 4 5 लोग हो सकते हैं। और व्लॉगिंग एक ऐसी चीज है जिसको आपको रेगुलरली अपडेट करना होता है, और उसमें आपको मटेरियल ऐड करते रहना होता है एवरी सिंगल डे और एवरी ऑल्टरनेट डे, इस टाइप का, मतलब एक एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जिसमें कि आपको उस कंटेंट को जो आपने अपने लिए सेलेक्ट किया, से अगर आप में से कोई एक ब्लॉगिंग लिखना चाहता है, ठीक है, तो आपको एक पैटर्न मिल गया, आपने डिसाइड कर लिया है कि आप एवरी ऑल्टरनेट डे आप कंफर्टेबल हो, आप एक कंटेंट लिख के दोगे ब्लॉग के फॉर्म में, तो अब आपको उसको ऑल्टरनेट डे देना है, यू हैव टू अपलोड इट, एंड कुछ ना कुछ आपको एक कुछ ना कुछ एक मटेरियल आपको उसको उसमें इंसर्ट करना होगा, सो दैट इट कुड बी इंटरेस्टिंग, ओके। नेक्स्ट कम्स द बुकमार्क्स। बुकमार्क ऐसा होता है जैसे हम बुक्स में जब हम बुक पढ़ते हैं तो हम एक बुकमार्क रखते हैं हमेशा, राइट, साथ में, कि जहाँ तक हमने पढ़ लिया, स्पेशली जब अगर हम नोवेल पढ़ रहे कोई स्टोरी बुक्स पढ़ रहे तो हम बुकमार्क ज्यादा यूज करते हैं, टेक्स्ट बुक के लिए बुकमार्क कम यूज होते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी हमने उसमें लाइन कर लिया होता है, उसको अंडरलाइन कर लिया होता है ना, नोट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो टेक्स्ट बुक्स वगैरह के लिए जो हम सिलेबस का कंटेंट जो पढ़ते हैं उसके लिए हम बुकमार्क्स कम यूज करते हैं, स्टिल फ्यू पीपल यूजेस बुकमार्क्स, बट जो हम अगर नवेल पढ़ रहे नोवेल पढ़ रहे कोई कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हो आप, कोई कुछ ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो, तो आप बुकमार्क्स का यूज करते हो, राइट। तो ये बेसिकली जैसे वहां हम नॉर्मल हम अपने बुक्स में बुकमार्क का यूज करते हैं, वैसा ही कुछ उसी टाइप का होता है, आइडिया और कॉन्सेप्ट सेम वैसा ही है, सेम टू सेम, द ओनली डिफरेंस इज ये आपका इंटरनेट में हो रहा है, ठीक है। तो आप एक जैसे आपने एक साइट विजिट किया, अब वो साइट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है, और आपको लगा कि ये साइट बहुत यूजफुल भी है, आपको आगे जाके कभी ना कभी इस साइट से बेनिफिट जरूर मिलेगा, तो अब आप क्या कर सकते हो कि आप उसमें कोई एक बुकमार्क लगा लो, और नेक्स्ट टाइम जब आपके पास टाइम है, आप फ्री हो, आप उस कंटेंट को यूज करना चाहते हो या कुछ भी चीज है, तो आप उस पे फिर से जा सकते हो, उसी कंटेंट पे आप डायरेक्टली जा सकते हो, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग यू कैन डायरेक्टली गो इन टू इट, तो दैट इज टर्म्ड एज बुकमार्क्स। ब्राउजर, नेक्स्ट टर्म इज ब्राउजर, यूज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन वेब और सर्च इंफॉर्मेशन ऑफ वेब, जो भी हम इंफॉर्मेशन इंटरनेट में या वेब में जो हम सर्च करते हैं ना, दैट इज टर्म्ड एज ब्राउजर, ओके। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सो व्हाट इज फर्स्ट देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, देन वी विल सी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS। तो फर्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग यूजेस रिमोट सर्विसेज होस्टेड ऑन इंटरनेट इन ऑर्डर टू स्टोर मैनेज एंड प्रोसेस डेटा, ठीक है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसमें क्या होता है कि हम रिमोट सर्विसेज का यूज करते हैं,
ताकि हम इंटरनेट में जो डेटा है उसको या फिर जो कंटेंट है स्टोर कर सके, मैनेज कर सके और प्रोसेस कर सके, मतलब आगे फर्दर उसका यूज कर सके। प्रोसेस का मतलब होता है कि फर्दर अगर आपको जरूरत है तो आप उस डेटा का यूज कर सको, किसी भी चीज को प्रोसेस कर सको। तो दिस इज टर्म्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS। सो इज सेंट्रली होस्टेड लाइसेंस सॉफ्टवेयर विच द यूजर एक्सेस वाय ए वेब ब्राउजर। तो ये SaaS क्या है? ये एक ब्राउजर है, मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको कि जो यूजर है वो एक्सेस कर सकता है, किसके थ्रू? ब्राउजर के थ्रू। ओके, जो पहला है क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट इज नॉट ए सॉफ्टवेयर, बट जो ये है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, दिस इटसेल्फ इज ए कंप्लीट सॉफ्टवेयर। ये अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, और इसका क्या होता है, और वो भी एक सेंट्रली होस्टेड लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, लीगली अप्रूव्ड ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इसको यूजर कैसे यूज कर सकता है? वेब ब्राउजर के थ्रू यूज कर सकता है, मतलब आप ऑनलाइन जाओ, उसके बाद आप सॉफ्टवेयर को आप इजीली यूज कर सकते हो। ओके, वेब ब्राउजर के थ्रू। देन कम्स द टर्म डाउनलोड, एन इंटरनेट मीडिएटेड प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो डाउनलोड बेसिकली क्या होता है? इंटरनेट के थ्रू किसी कंटेंट को कॉपी करना, इस टर्म्ड एज डाउनलोड, राइट? आप एक जगह से डाउनलोड कर ले रहे हो, उसको कॉपी कर ले रहे हो सेम टू सेम, और कहीं और आपको जहां यूज करना है वहां यूज कर ले रहे हो उसको। तो दिस इज टर्म्ड एज डाउनलोड। नेक्स्ट कम्स द ईमेल, इलेक्ट्रॉनिकली ड्रिवन मैसेजेस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल्स आर इलेक्ट्रॉनिकली ड्रिवन मैसेजेस विच इज एक्सेस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक ड्रिवन मैसेज है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है जिसको कि हम कैसे एक्सेस करते हैं, नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू, मतलब इंटरनेट के थ्रू। ओके, तो बेसिकली ईमेल्स आर इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज, इलेक्ट्रॉनिकल मैसेज है। नेक्स्ट कम्स दी इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेटिंग, इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेटिंग। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज इंक्रिप्टिंग। इंक्रिप्टिंग इज प्रोसेस टू अटेन डेटा सिक्योरिटी। ये तो अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एकदम एग्जैक्टली समझाया हुआ है कि इंक्रिप्शन क्या होता है। एक प्रोसेस है जिसमें कि हम डेटा को सिक्योर करते हैं थ्रू इंक्रिप्शन। डेटा की, जो भी आपने डेटा पुट किया है ऑनलाइन, वो आप सिक्योर करते हो, ठीक है। इंक्रिप्शन इज अ प्रोसेस टू अटेन डेटा सिक्योरिटी। देन ऑथेंटिकेटिंग और ऑथेंटिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग गिवन क्रेडेंशियल्स टू द फाइल्स ऑन डेटा। तो ऑथेंटिकेशन या ऑथेंटिकेटिंग में क्या होता है कि ये भी एक प्रोसेस है जिसमें कि जैसे एक से ज्यादा जो डेटा है उसको आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, सो दैट जो मोर जैसे जो कंपेयर करने के बाद जो एक अच्छा डेटा आपको मिलेगा उसको क्या करते हैं हम, नो जस्ट जस्ट कंपेयर कंपेयर करते हैं, ठीक है। सॉरी, ऑथेंटिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग गिवन क्रेडेंशियल टू द फाइल ऑन डेटाबेस। जो भी आपके डेटाबेस में जो कंटेंट या जो डेटा प्रेजेंट है उसको कंपेयर करने को ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स द फायरवॉल। फायरवॉल इट गार्ड्स द टू एंड फ्रो ट्रैफिक ऑन अ नेटवर्क। तो फायरवॉल बेसिकली क्या होता है कि जब आप बहुत नेटवर्क में क्या है,
बेसिकली बहुत सारी नेटवर्क में क्या होता है, जब जब हम इंटरनेट में होते हैं तो बेसिकली बहुत सारे लोग, काउंटलेस पीपल आर यूजिंग द सेम इंटरनेट, ठीक है। अब बाकी ये सारा ये छोड़ दो, जैसे अब एक कनेक्शन है, अगर एक जगह वाईफाई है, एक रूम में वाईफाई है, उसमें भी कितने सारे लोग उसी वाईफाई को यूज करते हैं, राइट। तो जो आपका कंटेंट है वो आप तक सेफ रहे। जैसे जो आप सपोज करो, आप सभी जितने भी आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स हैं वो एक रूम में बैठे हुए हैं और वो सारे एक इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, सभी सारे के सारे जितने 40 स्टूडेंट या जितने भी आपके आपके क्लास में 40-45 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, आई गेस 40 स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो 40 के 40 स्टूडेंट्स जो एक इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सब अपने अपने मोबाइल फोन में यूज कर रहे हैं, ओके। तो अब आपको फायरवॉल क्या करता है कि वो आपका जो इंफॉर्मेशन, जो मतलब जो कंटेंट आप सर्च कर रहे हो अपने मोबाइल में, वो आप तक लिमिटेड रहेगा। जो आपका फ्रेंड कर रहा है वो उस तक लिमिटेड रहेगा। मींस आपका कंटेंट आपके पास प्रेजेंट है, आपके फ्रेंड का कंटेंट आपके फ्रेंड के पास प्रेजेंट है। तो इस जबकि आप यूज एक ही वाईफाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो फायर वॉल है ना, दिस गार्ड्स योर इंफॉर्मेशन, ये आपके इंफॉर्मेशन को इधर उधर जाने से, अगर आप सेम इंटरनेट यूज कर रहे हो, सेम मीडियम यूज कर रहे हो, जैसे आप किसी फ्रेंड के साथ साथ आपने से हॉटस्पॉट शेयर किया, अगर आप हॉटस्पॉट शेयर भी करते हो तो भी क्या होता है, या फिर आपके फ्रेंड ने आपको हॉटस्पॉट शेयर किया, फिर भी अगर आप इंटरनेट यूज करें तो आप जो कंटेंट देख रहे हो या फिर जो कंटेंट आप सर्च कर रहे हो, जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो, वो आपके पास ही अवेलेबल होगा, आपकी स्क्रीन में आएगा। जो आपका फ्रेंड कर रहा है, वट एवर द कॉन्टेंट, से वो साइकोलॉजी का कोई कॉन्टेंट पढ़ रहा है, आप एनाटॉमी का कोई कॉन्टेंट पढ़ रहे हो, या आप कंप्यूटर का कोई कॉन्टेंट पढ़ रहे हो, तो वो आप तक लिमिटेड है, और उसके उस फ्रेंड का उस तक लिमिटेड है। ये किसके थ्रू होता है, ये फायर वॉल के थ्रू होता है, ठीक है। तो फायर वॉल जो है ये प्रोटेक्ट करता है आपके इंटरनेट को ट्रैफिक होने से, ठीक है। मतलब एक दूसरे के कंटेंट को आप बोल सकते हो, जो भी आप सर्च कर रहे हो, जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हो, उसको सेफगार्ड करके रखता है। सो फायरवॉल इट गार्ड्स द टू एंड फ्रो ट्रैफिक की, ट्रैफिक ऑन ए नेटवर्क, ओके। नेक्स्ट इज HTML एंड XML। सो नाउ व्हाट इज HTML एंड व्हाट इज XML। सो फर्स्ट वी विल सी HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका फुल फॉर्म देख लो, HTML का है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML एक लैंग्वेज है, जैसे जावा, जावा एक लैंग्वेज होता है, सी एक लैंग्वेज, C++ एक लैंग्वेज होता है, C++ एक लैंग्वेज होता है, जो लोग कंप्यूटर सीखते हैं उनको पता रहता है, ठीक है। तो वैसे ही HTML भी एक लैंग्वेज है। इसमें ज्यादातर ना कुछ इट इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेज। किसी तरह का वेब पेज अगर आपको जनरेट करना है तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, HTML का यूज करोगे, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज है जो कि वेब पेज को जनरेट करने के लिए, किसी को किसी चीज को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट कम्स द XML। XML stands for Extensible Markup Language, sorry, Extensible Markup Language. Okay, it is a document formatting language used for web page creation at worldwide level. XML का जो full form है वो क्या है? Extensible Markup Language. और ये क्या है? एक document formatting language है. ये भी एक language ही है, ठीक है? XML extensive मार्कअप लैंग्वेज इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, जो कि क्या होता है, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है जो कि किस में यूज होता है, यूज फॉर वेब पेज क्रिएशन एट वर्ल्ड वाइड लेवल। ये वेब पेज, इसमें भी आप वेब पेज जनरेट करते हो, बट कैसे, कौन से लेवल में, वर्ल्ड वाइड लेवल में करोगे आप, ठीक है।
Now, next comes the HTTP and HTTPS. So we will see what is HTTP. HTTP is a hypertext transfer protocol, which is used as an application protocol to transfer file at worldwide level. So HTTP kya hai? Ek transfer matlab ek jaise ek file agar aapko transfer karna hai, theek hai, जिसमें बहुत ज्यादा कंटेंट है, ऐसे फाइल को आप किसके थ्रू ट्रांसफर करोगे? एचटीटीपी के थ्रू, एचटीटीपी के थ्रू आप ट्रांसफर करोगे. तो इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें कि आप फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो, बहुत हैवी से हैवी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट कम्स दी नेक्स्ट टर्म इज HTTPS. इज एन ऑफिशियल सिस्टम दैट इनक्रिप्ट्स एंड डिक्रिप्ट्स पेजेस यूज्ड बाय यूजर और रिवर्टेड बाय वेब सर्वर. इट एंश्योर सिक्योर्ड कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क. तो HTTPS क्या है? एक ऑफिशियल सिस्टम है जिसमें कि एनक्रिप्ट होता है और डिक्रिप्ट होता है पेजेस. मतलब आप पढ़ सकते हो, दूसरा कोई कंटेंट आपका पढ़ सकता है, ठीक है. एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट होता है, जैसे कोई कोड होता है उसको इनक्रिप्ट करना, मतलब उसको फॉर्म करना, फिर उसको डिक्रिप्ट करना, ठीक है. एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट का यही मतलब किसी और को उसको कोड को डिकोड करना, डिक्रिप्ट. ओके, जो कि यूजर्स यूज करते हैं, और मतलब आप यूज भी कर सकते हो और किसी को रिवर्ट भी कर सकते हो, ठीक है, वेब सर्विस के थ्रू, नेट इंटरनेट के थ्रू. और इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे कोई जो इंफॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हो और जो रिसीव कर रहे हो, वो क्या रहता है? सिक्योर्ड रहता है, कोई और नहीं पढ़ सकता है. मतलब जैसे अगर हैकर्स हैक करें तो आपकी ईमेल आईडी हैक करके आपके ईमेल में क्या कंटेंट है ना, ये सारा कुछ वो चुरा सकते हैं. बट ये एक सेफ प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हो, और वो इंफॉर्मेशन हो सकता है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइल्स. तो इंफॉर्मेशन में फाइल्स आ जाएंगे, जो भी कुछ भी चीज़ आ सकता है ना, डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, तो वो आप सेंड कर सकते हो, वो रिसीव कर सकते हो आप, और वो क्या होगा, सेफ रहता है. Now, what is IM? IM stands for instant messaging. Okay, IM मतलब है instant messaging. Next comes the IP address. IP address is internet protocol address. Internet protocol address. So, इसका definition देखेंगे. IP address is assigned to each device using computer network. It has contributed to great extent to solve cyber crime. It is a numeric label that help in locating particular address of the device. So IP address basically kya hota hai, jaise hum har ek system ko ek IP address provide kiya gaya hai, theek hai. Computer hai jo network use kar rahe ya koi bhi cheez, uska apna ek IP, koi har ek device ka jisme network use ho sakta hai, net ka use ho sakta hai, उसको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, जो कि अगर कभी चोरी हो गई कोई चीज, कुछ ऐसा हो गया, तो उसको ट्रेस करने के लिए यूज होता है. तो जो ट्रेस करते हैं, अगर किसी का कोई सिस्टम चोरी हो गया, किसी का कोई मोबाइल फोन चोरी हो गया, तो वो जो ट्रेस होता है वो किसके थ्रू होता है? वो उस फोन के या उस सिस्टम के अपना एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है. जैसे हमारा थंब, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक थंब इम्प्रेशन होता है ना, थंब इम्प्रेशन किसी भी इंडिविजुअल का कभी वो नहीं कर सकता है, टैली नहीं कर सकता है, दूसरे के साथ नहीं मिल सकता है थंब इम्प्रेशन. तो वैसे ही आईपी एड्रेस होता है हर एक फोन का या फिर हर एक सिस्टम का, जिसमें भी कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें आप इंटरनेट कर यूज करें, उसका सबका अपना इंडिविजुअल होता है. और ये तब यूज होता है जैसे जब चोरी हो गई, जब कोई ऐसा क्राइम हो गया, उस समय उसको फाइंड आउट करने के लिए. तो जब से आईपी एड्रेस इस तरह का कोई एक कॉन्सेप्ट बना है और ये अप्लाई होने लग गया, तब से साइबर क्राइम का जो रेट था वो कम हो गया है.
नेक्स्ट कम्स द कीवर्ड्स एंड लेबल्स एंड टैग्स. सो व्हाट इज कीवर्ड्स? कीवर्ड्स आर टर्म यूज टू लोकेट डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, कीवर्ड्स ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि किसी डॉक्यूमेंट को लोकेट करने के लिए यूज होते हैं. मतलब किसी डॉक्यूमेंट का आपने नाम रख दिया, ये सब चीजें ठीक है लोकेट करने के लिए यूज होते हैं. एंड टैग्स एंड लेबल एनेबल्स द यूजर टू क्रॉस लिंक्स विद द रिलेटेड कंटेंट एंटर्ड थ्रू कीवर्ड. ओके, और टैग्स और लेबल को आप किस लिए यूज करते हो? क्रॉस लिंक करने के लिए. जो भी कंटेंट है वो रिलेटेड कंटेंट है या नहीं है इस चीज के लिए. नेक्स्ट कम्स द मालवेयर, अ डिलीरियस सॉफ्टवेयर डिजाइन बाय हैकर्स. तो एक मालवेयर क्या है? ये हैकिंग सॉफ्टवेयर है. मतलब इसका यूज होता है, ये सॉफ्टवेयर हैकर्स ने यूज बनाया है और ये जो सॉफ्टवेयर है वो किसी के डिवाइस को हैक करने के लिए यूज होता है. तो अब आप बोलोगे या फिर आप सोच सकते हो कि अब ये तो जैसे जो मालवेयर होगा वो क्या है, ये तो एक इलीगल डिवाइस है, इसके बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है. जैसे जो भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग यू नो द पीपल आर पुलिस नॉट द पीपल द पुलिस गेट सस्पिशियस और द साइबर क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स गेट सस्पिशियस ओवर सम पीपल्स एक्टिविटी. कुछ लोगों की एक्टिविटी या उनकी इंटरनेट एक्टिविटी पे सस्पिशियस होने लग जाते हैं, उनको शक होने लग जाता है. तो वो इस तरह के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं ताकि वो उनके सॉफ्टवेयर को हैक करके ये इंफॉर्मेशन ले सके कि वो इंटरनेट के थ्रू क्या काम कर रहे हैं, व्हाट दे आर गोइंग टू डू. ठीक है, तो अगर जो चोरी कर रहा है उसके भी तो सिस्टम को हैक करना जरूरी है ना, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए. तो दिस इज व्हाट अबाउट इट. पी टू पी इज पीयर टू पीयर शेयरिंग ऑफ डेटा. पी टू पी इज पेयर टू पेयर शेयरिंग ऑफ डेटा. मतलब जो आप एक पर्सन तो दूसरे पर्सन में आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, दैट इज टर्म्ड एज पी टू पी. ये भी सेम बाकी सारी चीजों के जैसे जिसमें आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, जैसे HTTPS था या HTTP था, वैसा ही है ये. बस इसमें क्या होता है कि सिर्फ जैसे मैं हूँ, मैं अगर इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती तो मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल के साथ शेयर कर सकती हूँ. मतलब एक 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 के ही साथ शेयर कर सकते हैं. मतलब ओके, तो ये ज्यादा सेफ है. और भी फिशिंग एंड वेलिंग. फिशिंग इज अ फ्रॉड प्रोसेस बाय विच सम ऑफेंडर्स सेंड ईमेल्स क्लेम टू बी फ्रॉम अ रेप्यूटेड कंपनी सो दैट द यूजर रिवील्स ऑल हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन. तो फिशिंग क्या होता है? मतलब गलत तरह से जो यू नो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फेक कॉल्स आता है, वैसे फेक ईमेल्स भी आती हैं. जैसे फेक कॉल्स आते हैं कि आपने ये एक प्राइज जीत लिया है, आप अपना बैंक अकाउंट के डिटेल्स दीजिए, हम आपके अकाउंट में से इतना अमाउंट जो आपने विन किया है वो हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ऐसे करके. और भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको फेक कॉल्स आते हैं ना, वैसे ही फेक ईमेल्स होते हैं. क्योंकि जो यूजर है, जैसे मुझे अगर ऐसे फिशिंग काइंड ऑफ ऐसा मेल आया है, उसमें क्या होगा, मेरे डिटेल्स मांग रहे होंगे कि एक कुछ बड़ा सा लालच देंगे दैट आपका यहाँ पे कोई सिलेक्शन हो गया, या फिर आपने इतना अमाउंट, आपने यहाँ पार्टिसिपेट किया था तो आपने इतना अमाउंट विन कर लिया है, अब हमें आपके आप अपना अपना पर्सनल डिटेल्स दीजिए, फिर आपके बैंक अकाउंट का डिटेल दीजिए. तो इस तरह से करके वो लोग एक बहुत अच्छा सा एक वो करते हैं, एक है ना लालच टाइप का देते हैं सामने वाले को, ताकि वो इंफॉर्मेशन दे दे उस लालच में आकर के. दिस वॉज फिशिंग. एंड वेलिंग इज ए डेलिटेरियस प्रैक्टिस ऑफ हैकिंग विच इज अ टाइप ऑफ phishing which involves hunting of data by hackers. So whaling bhi same as phishing hi hai, magar isme kya hota hai, ye aur zyada matlab advanced form hai. dekho jaise samajh mein aa raha hai usse, to
और ज्यादा एडवांस फॉर्म है, इसमें क्या होता है फिशिंग को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और डेटा हैक कर लेते हैं। जैसे आपको कुछ चीज बताएंगे, कुछ इंफॉर्मेशन आपसे पूछेंगे, मतलब आपको पहले कोई एक लालच देंगे, फिर उस लालच के लिए आपसे कोई इंफॉर्मेशन पूछेंगे, और उसके बाद क्या कर देंगे आपका पूरा का पूरा सिस्टम ही हैक कर लेंगे वो लोग। ओके देन कम्स दिस स्पैमिंग एंड फिल्टरिंग। इज ए जंक ईमेल और इट इज एन ईमेल सेंड टू मल्टीपल यूजर इन द मेलिंग लिस्ट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। स्पैमिंग में क्या होता है कि आप एक साथ में कोई भी, अगर आपने मेल प्रिपेयर किया, से आप में से आपके क्लास में किसी एक बच्चे ने एक मेल प्रिपेयर किया है, जैसे मैंने मेरी बात एक स्टूडेंट से हुई और मैंने उसको इन्फॉर्म किया कि एक मेल ईमेल सेंड करो अपने पूरे क्लास के सारे स्टूडेंट्स को, जिसमें कि ये बताओ उनको कि से उनका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इस तरह का कोई हमने, मैंने किसी एक स्टूडेंट से कांटेक्ट किया, और अब क्या हो रहा है, वो स्टूडेंट मेल्स प्रिपेयर करेगा और उसके बाद सारे सबको ही सेंड कर देगा। मतलब अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है तो 40 के 40 स्टूडेंट्स को वो मेल चला जाएगा। दिस इज टर्म्ड एज स्पैमिंग। ओके नाउ फिल्टरिंग। फिल्टरिंग इज अ प्रोसेस दैट अलाउज सर्टेन सिग्नल्स टू पास वाइल ब्लॉकिंग अदर अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। अब फिल्टरिंग में क्या होता है, कुछ चीजों, कुछ वेवलेंथ या कुछ फ्रीक्वेंसीज को हम अलाउ करते हैं और कुछ को हम ब्लॉक कर देते हैं। जो जरूरी है उसको अलाउ किया और जो जरूरी नहीं है उसको अलाउ नहीं किया, तो हम सबको नहीं ले लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोगों को ये टर्म समझ में आ गए होंगे। यस मैम, अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। डाउट है कि कोई डाउट नहीं है? नो मैम। ओके, ओके देन दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।